और अगर ना साथ साथ प्रैक्टिस की, फिर हम लोग को बड़ा मसला बन जाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हमें साथ साथ काम करना है। अच्छा, मैंने जो सिस्टम भी बनाया ना, वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से ना, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वैसा ही सिस्टम बनाना है। ये ओपन कर लो, मैं अभी यू स्टूडियो। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, हुई है स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? वो सर अभी नहीं हुई, अब हो रही है। जी सर, हो रही है। अच्छा, अभी हमने जो बनाना है ना, वो है स्टूडेंट इन्फॉर्म। अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। तला भाई ठीक है, है हमने ना जो सर? बनाना, तला भाई नहीं वो मैंने क्लास को और भी देनी है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो। ठीक है, ये भी सही है। चलो ठीक हो गया। अच्छा तला, मुझे जो एक ए की आपको जो नहीं मिली ना, क्या कहते हैं उसे, जो क्या थे कि ए की हमें नहीं मिली, एक लेक्चर की वीडियो शायद आप क्या करेंगे, वो मुझे बता देना कौन सा डे था, तो मैं आपको वो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मंडे का था वो, मंडे को एआई की जो हमारी मशीन लर्निंग की हमने स्टार्ट की थी ना, वो वाला, वो वाली क्लास का था मंडे का। सिर्फ क्या डेट बांध रही है। दो कंसेक्टिव क्लासेस थी, 11 एक जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, 11 तारीख। यस अच्छा सर। चलो ठीक है, अभी जो हमने, चलो ठीक हो गया। अच्छा अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, वो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, जिसपे आप लोग ना अपने कोर्स का रजिस्टर करते हो, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ये काम साथ साथ करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने एसक्यूएल सर्वर है, इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एसक्यूएल सर्वर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमने नया डेटाबेस बनाना है, और उस डेटाबेस में हमने रिलेशनल डेटाबेस बना के उसमें काम करना है। ठीक है, तो ये हमारे जाते हैं डेटाबेसेस में, राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस में आ गया। ठीक है, यहाँ इसका नाम देख देते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, NCS3 का कर देता हूँ। ठीक है, इस नाम से तो हम ओके कर देते हैं, जो हमारा क्या बनेगा डेटाबेस हमारा जो वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सही है वाला। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ये मुझे नाम नजर आ गया, जो जो लकीरें लगा रहा है ना, ये नाम आप नजर आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो मैं आपके साथ ये अगेन जो है वो शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो हमने डेटाबेस बनाई है, ठीक है,
तो अभी हमने जो डेटाबेस बनाई है उसका नाम है हमारे पास MCS3A के नाम से, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है MCS3A के नाम से। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ लिख दी है, फोन नंबर, हाँ चलिए वो सारा लिखा जा सकता है, ठीक है। वो जो जो हम आप लोग ऐड करना चाहते हैं, जेंडर, एड्रेस, एजुकेशन है, वो सारा ऐड किया जाए, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर है, वो ऐड करना चाहिए ऐड किया जा सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। का फॉर्म बन रहा है ये लॉग इन और रजिस्ट्रेशन दोनों का, क्योंकि लॉग इन के लिए ई मेल और पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारा के लिए काफी है। आप और भी फॉर्म के कॉलम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये यूजर आईडी है, ये सेट प्राइमरी की कर देते हैं, और यहाँ उसी तरह आके नीचे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन हम क्या कर देते हैं, वो वन वन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ईमेल को मैंने यूनिक की बनाना है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, नॉट डुप्लीकेट होती है, नॉट नल होती है, जबकि यूनिक की हमारे पास है, वो नॉट डुप्लीकेट होती है लेकिन यस नल हो सकती है, ठीक है। तो ये मैं ईमेल का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करता हूँ, ये कीज है, इंडेक्सेज है, ये है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ आप ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दिया, IX है, ठीक है, टेबल टू जो भी है लिखा रहने दें। आपने यहाँ से क्या करना है, कॉलम सेलेक्ट कर लें, कॉलम जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है वो है ईमेल, ओके कर दें। अब ये ईमेल है, इज यूनिक है, आप कर दें यस, ठीक है। टाइप इंडेक्स है, नहीं इंडेक्स नहीं, यूनिक की है, देखा इस पर यूनिक की लिखा हुआ रहा, ठीक है। अब आपने क्या कर दें, इसे क्लोज कर दें, तो हमारी यूनिक की भी क्या होगी, अप्लाई होगी। अब हम क्या करते हैं, टेबल्स को सेव करते हैं, ठीक है, टेबल सेव, टेबल टू करते हैं, लेट्स सपोज टेबल का नाम है लॉग इन टेबल नाम है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम रखते हैं, लॉग इन नाम रखते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं ये टेबल्स पे, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास ये लॉगिन का टेबल बना हुआ है, सेलेक्ट करके एडिट टॉप टू हैंडल रोज कर लेते हैं, कुछ एंट्रीज हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लॉगिन का मॉड्यूल बना रहे हैं, लॉगिन का मॉड्यूल तब भी होगा जब आपकी कुछ एंट्रीज ऑलरेडी होंगी, रजिस्ट्रेशन का बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इंसर्ट करना पड़ता है बारह, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंटेड है, प्राइमरी की है, तो इसमें मैं लिखूंगी तो नहीं लिखा जा रहा, तो यहाँ नाम है, लेट्स सपोज हम नेम लिख लेते हैं, एडमिन है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास ईमेल आ जाती है, इसका भी हम रख देते हैं एडमिन, ठीक है, एट द रेट ऑफ yahoo.com में फॉर एग्जांपल ईमेल रख देते हैं, पासवर्ड फॉर एग्जांपल 12345 है, और जो एड्रेस है हमारे पास वो ISB इस्लामाबाद का, तो हमारे पास एक एंट्री काफ़ी है, ठीक है, बाकी एंट्री हम रजिस्ट्रेशन से कर लेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर,
व्यू स्टूडियो पे आ गए। ये फाइल है, न्यू है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं और यहाँ विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है और यहाँ जो है इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम MCS3A के नाम से, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म वन है। फॉर्म वन को मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म वन रिक्वायर्ड नहीं है, मैं अपनी मर्जी का फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो पहले एक मैं फॉर्म ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड कर देता हूँ विंडोज फॉर्म, और इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखा जाए, लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन का एक फॉर्म बन गया। इससे यहाँ आता हूँ, एक और फॉर्म ऐड करता हूँ, ये मैं बनाता हूँ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, दो फॉर्म बन गए। अच्छा, इसके बाद हम बना लेते हैं लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का एक होम का बना लेते हैं, ठीक है, जिसपे सारा मेन इंफॉर्मेशन हमारी मौजूद होती है, इसका हम होम के नाम से बना दिए। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा डेफिनेटली फॉर्म वन पहले रन होगा। ठीक है, तो फॉर्म वन मैं चाहता हूँ ये रन ना हो, मैं चाहता हूँ पहले लॉगिन वाला फॉर्म रन हो। तो हम क्या करते हैं, अब इसका नाम देखिए लॉगिन है, ठीक है, तो मैं form.cs के अंदर आता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म वन की, लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन है, अब इसे मैं रन करूँगा तो हमेशा लॉगिन का फॉर्म रन होगा। अब फॉर्म वन को मैं डिलीट करूँगा क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म वन को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये होम का पेज है, देखिए ऊपर होम की एडिंग आ रही है, ये सर रजिस्ट्रेशन का पेज है, रजिस्ट्रेशन की एडिंग आ रही है, लॉगिन का नहीं है, लॉगिन का। ठीक है, व्यू में जाते हैं, टूल बॉक्स को सामने ले आते हैं, टूल बॉक्स आ गया मेरे पास, यहाँ आ गया बटन, इस बटन का नाम, जी बोले, ये जो आप काम कर रहे हैं ये बेसिकली आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। तो सर हम जैसे वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके लिए आप फिर हमारे लिए अलग काम करेंगे? जी जी वो मैं कल करूंगा। यस सर, आप दोनों को साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं सर, इनके जैसे आप देखें ज्यादा मोस्टली हमारे सारे स्टूडेंट्स बल्कि वो वेब वाले हैं, तो सर अगर आप उस पर ज्यादा फोकस रखें तो वो ज्यादा इजी नहीं रहेगा हमारे लिए, फिर हम उस पर ज्यादा काम कर सकेंगे। दोनों इसलिए जरूरी है कि आपको टेक्निक्स पता लगे, मेन चीज टेक्निक है, बाकी बैकएंड में चीजें एक ही। ओके सर, सिर्फ आपको सामने डिजाइन है वो मैं करना है, बाकी सारी जो कोडिंग वो सेम यही है। तो दो दफा हो जाएगी हमारी चीज रिपीट हो जाएंगी, जब आप काम करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात गारंटी है। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए सर, कुछ पावर फॉर्म की होती है, कुछ वेब फॉर्म की है। जी बोले सर, ये जो आपका लॉगिन के ये ऊपर लिखा हुआ है ये बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आता है ना, तो आपका सेंटर में कैसे है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया आपने? नहीं, ये मैंने फॉर्म जो नाम रखते हैं वो इधर ही आता है सर, वो इस छोटे से आइकन के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता? नहीं, फॉर्म वन या इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है? नहीं नहीं, इधर ही लिखा होता है। ओके सर, मैं देखूंगी क्योंकि ये मुझे सेंटर में लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं विजया, जब वो नाम चेंज करो वो खुद ही सेंटर में आ जाता है, और बाय डिफॉल्ट वो फिर लेफ्ट कॉर्नर पे होता होगा ऐसे ही। ओके, चलिए, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नाम चेंज कर ले, हो सकता है इस वजह से आता हो, ये वैसे मैंने बात नोट नहीं की, हो सकता है ऐसा होता हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जाते ही मैंने बटन रख दिया है। अब आपको याद होगा हम दो ही प्रॉपर्टीज चेक करते थे, एक एस की है, लेट्स सो यहाँ इसका नाम भी लॉगिन रख देता हूँ। ठीक है, इस बटन का नाम VTN लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बटन का नाम रख देते हैं VTN लॉगिन। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं लेबल पे आ जाते हैं, एक लेबल ये हमने रख दी है, एक लेबल ये रख दिया, दो लेबल हैं। ठीक है, लेट्स सो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में इसका नाम रखते हैं LBL, इसका नाम रखते हैं ईमेल, और दूसरे का रख देते हैं LBL पासवर्ड। इसका टेक्स्ट दोनों का चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, और यहाँ हम रख देते हैं
पासवर्ड, ठीक है। अब इनके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए होंगे, टेक्स्ट बॉक्स आ गया और दूसरा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ही आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज कर देते हैं इसकी, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। आप कलर जो भी चेंज करना चाहिए, यहाँ सारी प्रॉपर्टीज में आप वैसे ही देखिएगा, ठीक है, वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो जो आप कर सकते हैं वो देख लीजिएगा लाजमी, ठीक है, जो आसान आसान हो, ताकि हमें आइडिया होना शुरू हो जाए। आप देखें बैकग्राउंड कलर ये है, ठीक है, कलर आप यहाँ जाके कस्टम में आ जाए, ठीक है, ऐसा कलर चेंज करना चाहिए कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के कलर हैं वो आप चेंज करना चाहें तो प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट बॉक्स के भी कलर इस ना चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर वाइट करने के लिए आप ग्रे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ग्रे एक्टिव ग्रे भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा इनएक्टिव का ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, सब चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जाने दें, एक चेंज हो गया दूसरा। अब मैं यहाँ एक नया बटन डालता हूँ जिसका नाम है लिंक लेबल, ठीक है, यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जानने के बाद जो हमारे पास टेक्स्ट होगा इसका नाम होगा रजिस्टर, ठीक है, और इसका नाम जो होगा BTN रजिस्टर रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं BTN रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा हमने लॉगिन का पेज डिज़ाइन कर लिया। अब सबसे पहले रजिस्टर पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखें बटन रजिस्टर के लिंक क्लिक का इवेंट आ गया। अब रजिस्टर से क्या होना चाहिए, रजिस्टर का फॉर्म ओपन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन वाला। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट डालूंगा, रजिस्ट्रेशन आर है इक्वल टू न्यू, रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट बन गया, और आर डॉट शो कर देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इस फॉर्म को क्लोज भी करना है जो करंट फॉर्म होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस करंट फॉर्म के लिए दिस लिखते हैं, ठीक है, डॉट हाइड का फंक्शन यूज होता है, ठीक है, ये अब नई चीज आ गई है, ठीक है, हाइड का फंक्शन होता है। तो इससे क्या होगा, बटन दबाने से रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से फिर मैंने शो का फंक्शन कॉल कर लिया, यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शो हो जाए, और दिस डॉट हाइड यानी ये जो फॉर्म है लॉग इन का फॉर्म, ये क्या हो जाए, हाइड हो जाए, ठीक है, ये फॉर्म हाइड हो जाएगा और दूसरा फॉर्म सेशन का ओपन हो जाएगा। इससे अब रन करके देख लेते हैं, ठीक है, रन किया, ठीक है, ये लॉगिन का पेज है। तो ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने विजिबल होता है, दूसरा पेज खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा मैं अगेन वापस आता हूँ, ये हमारा लिंक लेबल का काम इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ लॉगिन के बटन के ऊपर, इसका भी फॉर्म चेंज कलर कर लेते हैं क्योंकि मुझे ध्यान दूर चला जाता है, तो इसका बैकग्राउंड कलर किधर गया, ये ठीक है, इनएक्टिव बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, इनएक्टिव कैप्शन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैं लॉगिन में आ जाता हूँ, लॉगिन में आने के सारा वही ADO.NET का काम होगा। अब लॉगिन में क्या होता है, होता ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री की होगी दोनों में, यूजर नेम और पासवर्ड में, सॉरी ईमेल और पासवर्ड में, तो हम वहां से डेटाबेस से भी लेके आएंगे रिकॉर्ड, लेके आएंगे सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है, उससे हम डेटा टेबल को फिल कर रहे हैं। फिर डेटा टेबल का हम जो है ना कंपैरिजन कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ, अगर चीजें मैच होगी तो होम का पेज ओपन हो जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ यूजिंग सिस्टम आ गया, डॉट डेटा आ गया, डॉट SQL क्लाइंट आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास SQL क्लाइंट आ गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ क्या करना है, SQL कनेक्शन का क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है, उसी तरह ये सारा काम वैसे ही चलेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज कर लेता हूँ हाथ इस पर, ठीक है। अच्छा इसको अब यूँ भी नहीं शिलाइज कर सकते, इसका एक और तरीका भी वैसे होता है, अगर आप कहते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का काम इनिशियलाइजेशन का होता है ना, तो हम यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग विद इक्वल टू, यूँ भी लिखी जा सकती है, तो दोनों मेथड ओके हैं, ठीक है, यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी,
इस जगह पे, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करने का तरीका क्या था, टूल में जाने, कनेक्ट टू डेटाबेस में आ जाएं, ठीक है। यहाँ से आपने सर्वर का नाम क्या करें, वहाँ से कॉपी किया होगा तो यहाँ पेस्ट कर दें, या यहाँ कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक कर दें, अगर नेम ये उठा लेता तो क्या, देखिए इसे नेम उठा लिए, और यहाँ से डेटाबेस का नाम भी आप पिक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ इसके नाम से मेरे पास कहाँ गया डेटाबेस, ये ठीक है, ये ओके कर दें तो ये आपकी कनेक्शन क्या क्या यहाँ से गेट होके इधर आ जाएगा, कहाँ है वही है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग गेट कर लें, कॉपी कर लिया, और ये यहाँ जाके कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर दें, यूँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो मैं इनिशियलाइज करता था वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता था, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग की, प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने किया है, तो ये फर्क थोड़ा बताना आपको ज़रूरी था। तो प्रॉपर्टी के थ्रू भी इनिशियलाइज आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप कॉल करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यही वजह था कि हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे। अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी कनेक्शन स्ट्रिंग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया, गेट वाली या सेट वाली? सेट वाली लग रही है, बिल्कुल सेट वाली है, ठीक है, सेट की है ना, ठीक है। तो आप यही काम कर सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगेन वापस यहाँ लॉगिन फॉर्म पे। अच्छा, वो मैंने काम शुरू किया था, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया हमारा, तो अगर आप ये यूं बनाना चाहते हैं, ऊपर बनाना चाहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आता हूँ बटन लॉगिन के अंदर। तो यहाँ हम क्या काम करते थे, SQL कमांड, ठीक है, SQL कमांड था, इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए इक्वल टू न्यू SQL कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम बनाते थे स्ट्रिंग क्यू या क्यूरी लिखे जो भी है, यहाँ क्यूरी आ जाएगी, यहाँ क्यू पास हो जाएगा और दूसरा पॉन पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, सेलेक्ट के लिए डाटा टेबल आ जाएगा, ठीक है, डी टी इक्वल टू न्यू डाटा टेबल आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, SQL डाटा डॉक्टर आ जाता था। एक तो इस कीबोर्ड का जो है ना, अल्लाह हाफिज़ है नया, फिर भी जो है प्रॉब्लम करता है। SQL डाटा डॉक्टर है, इक्वल टू करते हैं न्यू SQL डाटा डॉक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ आ जाएगा CMD का ऑब्जेक्ट, ये सेमीकोलन आ गया, ठीक है, ये काम करते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, ADP से डॉट फिल का काम करते थे, किसको करते थे, डाटा टेबल को। अब डाटा टेबल आपका यहाँ फिल हो जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ, यहाँ जो क्यूरी लिखूंगा उसके सिलेक्ट। अब मैंने सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, टेबल का नाम क्या था, कॉलम का नाम क्या था, टेबल का नाम लॉग इन सिलेक्ट, ठीक है, ई मेल, एक कॉलम आ गया कॉमा, दूसरा जो है पासवर्ड, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम लॉगिन का स्पेलिंग यही है, ठीक है, ठीक है। अब वेयर की क्लॉज यहाँ लगेगी, ठीक है, क्योंकि ईमेल यूनिक होता है, एक रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा, वेयर ईमेल, ये कॉलम का नाम, इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, ठीक है, ये। तो यहां से क्या आ जाएगा, टी एक्स टी, मैंने क्या नाम रखा था, टेक्स्ट बॉक्स वन ही रखा ना, डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। अभी देखिए नाम ना काम क्यों, तो ये बड़ी मुसीबत बन जाती है, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा, पासवर्ड का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये क्यूरी बनेगी, ठीक होगी बात। वेयर कॉलम का नाम इक्वल टू फॉर्म के करते हैं, फॉर्म की सिंगल डबल प्लस वाला ही फार्मूला है। सर एक बात है, इसकी के बिहाफ जी बोले कि सर बाकी हम एरर्स तो यहाँ पे ये हमें डिटेक्ट करवाने में हेल्प कर देता है, लेकिन सर अगर कोई क्यूरी में प्रॉब्लम हो जाए तो वो हमें खुद ही देख के फिर फाइंड आउट करना पड़ता है। मीन स्पेलिंग मसला हो गया या कोई भी चीज आपने आगे पीछे रख दी तो वो आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे वो मेरे प्रॉब्लम स्पेलिंग की वजह से ही सर ये वो क्यूरी में हमें गाइड नहीं करता कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ तो मैं चाहता हूँ ये मसले हैं आपको ताकि आपकी लर्निंग हो, ठीक है। सर वैसे ऐसा है कि इसकी भी टेक्निक है, यस सर यही मैं पूछने लगी थी क्योंकि क्यूरी में मैंने देखा है यस सर, बिल्कुल इसकी टेक्निक है लेकिन मैंने आपको नहीं बता दी, ठीक है, आप लोग फंसे, अच्छी बात, ठीक है, नहीं बताऊंगा, मुझे याद करना है इस लेक्चर के एंड पे बताऊंगा, ठीक है। वो मैंने भी इसलिए नहीं बताई, मैं जानबूझ के नहीं बताई, मैंने कहा आपको पता लग गया कि इसमें इस तरह की चीजें यूं लिखी जाती हैं, इसका ख्याल किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे याद करें
आपने मुझे याद कराना है कि मैं एट द एंड आपको ये बताऊंगा कि यहाँ क्यूरी लगाई कैसे जाती है। यस सर, सर एक और बात, क्योंकि क्यूरी गलत हो जाए ना तो उसकी वजह से ये भी डाउट रहता है कि कहीं मेरा और कोड में मसला तो नहीं है, तो सर इसी वजह से जानबूझ के मैंने भी सिर्फ मैं कहा बात को प्रॉब्लम है ताकि कोड में एरर ढूंढने में आईडिया हो सर, बिकॉज़ जब मैं फॉर्म पे काम कर रही थी वेब एप्लीकेशन पे, वहां पे जब मैं काम कर रही थी तो मेरा बाकी सारा ग्रिड व्यू वाला मैंने कोड जब ऐड करना था, बाकी सब मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था, बस वो स्टैरिक मैंने फॉर्म के बाद लिख दिया था, आई थिंक इस तरह मैंने कोई मिस्टेक कर दी थी, तो मुझे मैं समझे कि पता नहीं शायद मैंने कुछ और गलत ना कर दिया, लेकिन जब मैंने देखा तो सिर्फ वो स्टैरिक वाला मेरा प्रॉब्लम था और वो भी मेरा क्यूरी में प्रॉब्लम था, वो फिर बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी वजह से मैंने आपसे पूछा ये बात कि क्यूरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं बता देते हैं, ठीक है बता देता हूँ, वो भी बता देते। अच्छा अब होगा क्या, अब हमें जरा समझना है, आज जो हमारा काम है ना वो समझने वाला ज्यादा है। ये लेट्स सपोज इस टेबल इस क्यूरी से क्या क्या रिकॉर्ड रिटर्न हो के आएगा, कौन कौन से कॉलम रिटर्न होंगे, ईमेल का और पासवर्ड का, ये दो कॉलम रिटर्न होंगे ना, तो हमारा डाटा टेबल इस किस्म का बनेगा। ये हमारा पास स्ट्रक्चर बना देता हूँ डाटा टेबल का, ठीक है टेबल ही होता है, दो चीज रिटर्न कर रहे हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ईमेल के लिए मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ ईमेल है कॉलम, ठीक है, और पासवर्ड के लिए मैं पी लिख रहा हूँ। होता क्या अब जो आपका होता है ना ये जो डाटा टेबल है इसकी जो पहली रो है ना, फॉर एग्जांपल ये इसकी दो रोज है, पहली रो जीरो होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, दूसरी रो वन होती है, ठीक है। इस तरह ये जो कॉलम है पहला कॉलम जीरो होता है और दूसरा कॉलम क्या होता है वन होता है, इस तरह टू थ्री फोर आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जीरो से होती है याद रखिएगा, ठीक है डेटा टेबल की स्टार्टिंग जीरो से होती है। अब मेरे पास रिकॉर्ड एक ही रिटर्न होगा, ईमेल भी यूनिक है और हमने एंड भी लगा दिया पासवर्ड और ईमेल पे, तो डेफिनेटली रिकॉर्ड एक रिटर्न होगा। जो ईमेल है वो यहाँ जाएगी, फॉर एग्जांपल एबीसी ईमेल है a@yahoo.com है, पासवर्ड 123 है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ए किस इंडेक्स पे मौजूद है और वन किस इंडेक्स पे मौजूद है। ए जो है डेफिनेटली जीरो जीरो इंडेक्स पे मौजूद है, यानी ईमेल, ईमेल की पहली वैल्यू जो है वो जीरो जीरो इंडेक्स पे मौजूद है और पासवर्ड की जो पहली वैल्यू है वो जीरो वन इंडेक्स पे है, क्योंकि एक ही रो रिटर्न हुई है ना, तो रो जीरो ही है, रो वन एग्जिस्ट नहीं कर रही। कॉलम वाले बता दो हैं, एक ए वाला और एक वन वाला, समझ आ गई बात की? यस सर। तो ये डाटा टेबल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो पहला रिकॉर्ड जीरो जीरो पे पड़ा और पहली ईमेल वाली है। अगर लेट्स सपोज ये पासवर्ड यहाँ से काट के ना मैं ईमेल की जगह लिख दूं और ईमेल वाली काट के यहाँ पासवर्ड की जगह लिख दूं, यहाँ ईमेल लिख दूं, तो अब ये कॉलम उलट हो जाएंगे, पहला कॉलम पी वाला दूसरा कॉलम ई वाला। अब पी में क्या पड़ा होगा, जीरो जीरो में पासवर्ड पड़ा होगा, जीरो वन में ईमेल पड़ेगी। ये बात समझ आ गई है? yes, इस बात का अपने ख्याल रखना सर। फिर आगे जो अगर आप समझ रखेंगे तो हमारी हमारी कैलकुलेशन आगे आसान। पासवर्ड फिर पहले यहाँ पे रखना पड़ेगा और ईमेल बाद में रखनी पड़ेगी, अगर यहाँ चेंज होगा तो फिर आगे भी चेंज होगा ना। बिल्कुल। अब डेटा टेबल का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया क्या होगा, इसलिए मैं अभी इफ की कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। इफ है, अब मैं कहता हूँ dt डॉट रोज, ठीक है डॉट काउंट, यानी रोज काउंट कर रहा हूँ, अगर ये ग्रेटर देन सॉरी इक्वल इक्वल टू वन है तो हमारा कोड ठीक है। मैंने कहा ना एक रो रिटर्न होनी चाहिए, एल्स में क्या आएगा हम लिख देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। समझ आ गई बात की? ये मैंने क्यों लगाया, ठीक है समझ आ गई बात की? अगर तो रो एक ही है तो वो हमारे काम की होगी, अगर रो ज्यादा है तो फिर एल्स में चला जाएगा, कहा करेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब अगर इफ में, तो इफ में फर्दर इफ एल्स लगेगी एक और, ठीक है ये इफ आ जाएगी और यहाँ एल्स आ जाएगी, ठीक है एल्स में यही चीज आएगी अगेन, मैसेज बॉक्स शो में मैं कह दूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्यों अभी आपको पता लग जाता है, ठीक है। इसमें मैं कहता हूं अब मैंने एक मैचिंग करनी है डाटा टेबल की फॉर्म के साथ, मैचिंग करनी है। मैं क्या कह रहा हूं, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो कि ईमेल के लिए, ठीक है ये ईमेल के लिए था, इसमें जो भी टेक्स्ट है गेट कर लो, यानी आप रीड कर लो, अगर वो बराबर है डी टी डाटा टेबल की रोज, ठीक है रोज और ये दो चीजें हैं रो जीरो कॉलम जीरो। अब ये हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में, तो टू स्ट्रिंग कर दिया। ये बात समझ आई मैंने क्या लिखी है?
कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा है वो बराबर हो जाता है डाटा टेबल की रो 00 यानी वो 00 ईमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी उसके साथ मैच कर जाता है तो इस इफ के अंदर आ जाए, अदरवाइज अगेन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कह देगा। एंड सेम काम मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स टू जो कि पासवर्ड के लिए डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ इक्वल इक्वल टू अगर हो जाता है डी टी। एक देखिए डाटा टेबल में चीजें कहाँ से आ रही है, डाटा बेस से आ रही है, और फॉर्म के पूरे चीजें टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से आ रही है, डी टी डॉट रोज 01 हो जाएगी, ये रोज 0 है कॉलम 1 डॉट 2 स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो इसे डॉट 2 स्ट्रिंग करे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ठीक है तो क्या करें, मेरे मकसद का काम क्या होगा कि लॉग इन कर दे। तो लॉग इन होने के बाद क्या होना चाहिए, होम पेज पे चला जाना चाहिए, तो होम पेज का ऑब्जेक्ट बना देते हैं इक्वल टू न्यू होम पेज, ठीक है होम पेज डॉट शो कर देते हैं, शो कर दिया, और दिस डॉट हाइड, ठीक है ये काम हो गया। अब इसे रन करते हैं, इस चेक की समझ आई है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स के यानी इस फॉर्म को लॉगिन के फॉर्म को हाइड कर दे, छुपा दे, ठीक है ओबी डॉट शो ओबीजे को दिखा दे, ओबीजे क्या है होम, होम का फॉर्म से दिखा दे। और ये देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो गेट कर ले और उसको मैच करे डाटा रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो इसको सिलेक्ट करके ना पासवर्ड को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है पासवर्ड करेक्टर के नाम से, ये इसको यहां मैंने स्टेरिक लिख दिया। अब पासवर्ड हमेशा आपको क्या देने पड़ेंगे, जो भी देंगे स्टेरिक की फॉर्म में लिखा आएगा, ठीक है। अब यहां मैं गलत पासवर्ड देता हूँ, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है तो क्या कहेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कह देगा, देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अगर मैं यहाँ कहता हूँ एडमिन एट द रेट ऑफ याहू डॉट कॉम पासवर्ड 12345 कर दिया, 12345 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये होम का पेज ओपन हो गया, ठीक है। सर हमारे पास ऐसा भी तो होता है समटाइम्स के एक कोई चीज हम सही दे रहे होते हैं और दूसरी गलत दे रहे होते हैं, तो उसमें भी स्पेसिफिकेशन का हमारे पास आया मैसेज यही आता है, मैसेज जनरल देता है, ये नहीं कहेगा कि पासवर्ड गलत है, ये लिखा होगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, यानी ईमेल भी गलत हो सकती और लिखा होता है एंड नहीं लिखा होता, या ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है या दोनों गलत है, और का मतलब क्या होता है दोनों में से एक गलत है, दोनों भी गलत हो सकते हैं लेकिन दोनों में से एक जरूर गलत है, एंड का मतलब क्या होता है दोनों ही गलत है, ठीक है। और इसीलिए ने लिखा था, वो बड़े सियाने होते हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि ईमेल कोई बता दे तो फिर तो पता ही चल जाए, वाकई सही बात है क्योंकि ईमेल तो सर सब ठीक दे ही लेंगे, ईमेल आईडी तो सबकी पता ही होती है, नेम भी होता है, ये वजह है, ठीक है। तो इस तरह हमारा हम अब हमने होम से या रजिस्ट्रेशन से वापस बैक आना है, ठीक है तो क्या करते हैं होम पे आ जाते हैं, ठीक है ये होम है, अगेन व्यू में आ जाते हैं, टूल बॉक्स की जगह टूल बॉक्स है, यहाँ मेन्यू स्ट्रिप में वापस आते हैं, ये मेन्यू स्ट्रिप आ गए, ठीक है यहाँ से मेन्यू स्ट्रिप आ गई, ड्रैग ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ फिलहाल मैं लिख देता हूँ बैक, फिलहाल अभी आसानी के लिए, ठीक है ये बैक लिख दिया। अब इस बैक को लिखने के बाद डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ मैं क्या कह दूंगा, लॉग इन
एल जी इक्वल टू न्यू लॉग इन, ठीक है, तो एल जी डॉट शो वही आ जाएगा और हो जाएगा दिस डॉट हाइड, ठीक है, वही काम है, ठीक होगी बात। अब ये मैंने होम पे काम किया, ऐसे अब रन कर लेते हैं, ठीक है, तो होम पे आ जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे वो मेन्यू है, इस पे बैक पे क्लिक करेंगे, देखिए वो अगेन लॉगिन फॉर्म पे आ गया। वही वही कोड है, होम के पेज पे लिखा है ना मैंने, मेन्यू स्ट्रिप, मैंने इसे ड्रैग ड्रॉप कर दिया है और वहां से पूछेगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ये देख लें दोबारा, लॉग इन क्या क्या होम डिजाइन है, यहाँ से मैन्यू स्ट्रिप आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे, यहाँ से पूछेगा क्या लिखे हैं, ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ तक जैसे कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी, बोले। देखो तला, देखो तल्ला बात क्या है, मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक की ले लेते हैं, ठीक है, फेसबुक का अकाउंट आपने बनाया होगा यकीनन, यूज की होगी, ठीक है। अब आपका एक अकाउंट का रिजल्ट एक ही रिटर्न होगा, यानी जिसमें तल्ला का जो आईडी यूज होता है और पासवर्ड यूज होता है, वो सब बंदे का आईडी को पता है यूनिक ही होता है जो ईमेल देते हैं, क्या ख्याल है? तो इसलिए रो हमेशा एक ही रिटर्न होगी, कॉलम जितने मर्जी आप रिटर्न करा ले, रो एक ही होगी, ठीक है। हाँ, अलबत्त लॉगिन के अलावा आप कोई काम करें, फॉर एग्जांपल मैं बच्चों के अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ, फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में जब मैं सेलेक्ट की क्यू लगाऊंगा तो मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की अगर अटेंडेंस लगाता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न होकर आ रहे होंगे, फिर मुझे उन्हें मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में लॉगिन में ये नहीं होता, लेकिन वैसे बाकी केस में ये हो सकता है। ठीक है, मैंने अटेंडेंस का केस आपको बता दिया, अटेंडेंस के केस में ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने ग्रुप बनाने हैं चार चार के या पांच पांच के, ठीक है, जो मर्जी है प्रोजेक्ट है उसका लॉगिन का फॉर्म बनाना स्टार्ट कर दें इसी तरह ही। ठीक, तो जो है ना प्रैक्टिकल का पेपर और जो मिड के आपके 8 नहीं 12 जो नंबर हैं उन्हें मैक्सिमम वेटेज जो है जो मैं प्रैक्टिकल की ही रखूंगा। ठीक है, तो आपने ग्रुप पे आके काम करेंगे, प्रैक्टिकल मैंने ग्रुप से ही सवाल पूछने हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट बनाना है, इसी के नंबर मैं प्रैक्टिकल में भी हैंडल करूंगा और मिड के जो मैं दोनों में इनकी वेटेज है। ठीक है जी जी बिल्कुल, वो चाहे वेब पे बनाओ चाहे डेस्कटॉप पे बनाओ, दोनों कोई मसला है जिस पे भी डाल दें। सर वही जो एफआईपी के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया आपने बोला था ना कि बेशक वही कर लें। तो ये थोड़ी सी बातें थी, इसमें से कोई किसी का कोई ट्रांसफर कर दिए सर, आप हमें बात बता दें क्योंकि आपने जो बात हाँ। करनी होती है वो बड़े मजे की होती है, हमें पता चलनी चाहिए। अच्छा हाँ, वो आपकी बात जो रहेगी जो आपने कहा था क्यूरी कैसे लगाते हैं वो जरा बता देता एक मिनट, जरा बैटरी लैपटॉप की जरा कम हो गई है, मैं चार्ज में आके बताता हूं फिर आपको। ये नहीं कुछ नहीं, वो बस यासीन भाई का मैंने कहा, यासीन बोला नहीं ना ये भी बोलने कि आप हाँ प्रोजेक्ट वही जो हम लोगों ने फाइनल ईयर का सिलेक्ट किया है ना वो टॉपिक वही जो है हम इसमें बना सकते हैं। अगर हम अभी बनाएंगे बीपी में तो हमारे लिए काम जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा एफआईपी के लिहाज से भी, तो आप वही टॉपिक एफआईपी में इसलिए क्या बताओ कि अच्छा। और दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग इसकी ना कीजिएगा क्योंकि मैं सवाल के जवाब ही दे रहा हूं। ठीक है, इसकी रिकॉर्ड ना कीजिएगा, डेटा के साथ मैच नहीं होती। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मतलब चीजें मैच होंगी तो चलेगी, तो इसका मतलब एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी पे जब आया तो एरर वहां से जनरेट हुआ, चीजें अगर मैच हो जाती ये प्रॉब्लम होती है। ये सर ये भी हुआ था और एक और मुझे एरर आया था adp.fill करते हैं ना सर, वहां पे भी मुझे एरर आया था, फिर वो मैंने वही प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हो रहा होगा और डाटा टेबल जो है वो एम्प्टी रह जाता है, एम्प्टी डाटा टेबल पे चेक लगाएंगे तो एक्सेप्शन आ जाती है। डाटा टेबल एम्प्टी हो ना तो उसमें जब कोई डाटा ना आ रहा तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। यस सर बिल्कुल ठीक है।
अच्छा मैं अटेंडेंस करता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन है ठीक है, नहीं तो आप जानना चाहें तो जा सकते हैं, मैं अटेंडेंस लगा लूँ ठीक, मैं भी कर देता हूँ ठीक है, मैं कोड आपको सारे के अभी शेयर कर देता हूँ, अभी एक हुआ है ना तो इंशाल्लाह 1:30 तक सारा कुछ, मिड से लेके अभी तक जो है ना सारा कुछ शेयर हो चुका है, 1:30 पे चेक कर लीजिएगा, और तला मुझे बता भी देना आपको मिला या नहीं मिला ठीक है। और असल में रिकॉर्डिंग की वजह से मैं थोड़ा सा हो गया, नहीं तो मैंने बाकी सब की अपलोड की है वीडियोस भी, और वो ठीक है, तो आपकी एक वीडियो आपको सेंड करता हूँ, और ये सारी वीडियो आपको रात को, वीडियो जो रात को सेंड कर दूंगा ठीक है, और जो कोड है वो अभी इंशाल्लाह 1:30 बजे तक सारे ढूंढ के आपको अपलोड कर देता हूँ ठीक है। मैं अटेंडेंस लेगा, उसके बाद आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर किसी कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो। ठीक है, जो जो आया था अगर अभी नहीं है तो उसकी भी अटेंडेंस बोलना चाहिए तो बोलते हैं, अब्दुल बसीर, अदीबा सैयद, आमरा रूज, इसका नाम अभी मैंने भी लॉगिन किया, अंजल अहमद का नाम अपलोड किया था अभी, और रूज आपने, बासित अली, बिलाल यस सर, अब्बासी, बस इतना बिलाल ही सर। अहमद, अच्छा बासित रहो, बिलाल अब्बासी, बिलाल अहमद, फैजान मुर्तजा, फरा सलीम, प्रेजेंट सर। हाफिजा, खफीसा, मरियम, ये भी मौजूद थी मुझे लग रहा था ना, हाशिर अली, सॉरी हैदर अली, यार एक तो रोशनी पढ़ी है नाम भी नजर नहीं आ रही, आज हैदर अली है, बिल्कुल हैदर अली नहीं है, इनाम मुबीन, उमर रियाज, इकरा इबरार, अच्छा इकरा जावेद भी प्रेजेंट थी सर, इकरा जावेद भी है। ठीक है, अली ठीक कोमल अफजल, लारे फरजाना, ये मौजूद थे, मलिया वसूर थी, मीनाज फरोजी थी, जो नाम है एंटर किए थे मुझे याद है, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद उमर, यहाँ पर प्रेस प्रेजेंट है, अनिता क्या नहीं है, नूर अली, सदर जहूर, ये भी प्रेजेंट है, सजल मुबारक, साजिदा उस्मान, सना शबीर, सारा हदायत, पहले शाम का नाम देखे थे, शाकिरा फातिमा का नाम देखे था, हाँ ये यासीन है, ये तो नहीं है आज मुझे पता है, सोनिया नहीं, सुमेरा शाहीन, मंसूर अली शाह, सैयद मोहम्मद अली नकवी, तायरा आजम, मौजूद अल्लाह वजदान, साथ भी है जैनब भी है, ईशान अली भी है, सुशांत ठीक, ओके ठीक है, किसी क्वेश्चन है तो जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये मैं अभी करने लगूँ, असल में जब आपने वीडियो का जिक्र किया तो मेरे माइंड से निकल गया, नहीं तो इरादा था मेरा ठीक है, मैं ये से उसका बहुत फायदा होता है सर, से यूट्यूब पे करते हैं, वहां से हम देख के आराम से अपना काम कर लेते हैं सर, उसका बहुत फायदा है हमें। चले सर हम आपकी क्लास पता नहीं कितनी बार लेते होंगे,
आपको नहीं पता, दो दो बार जब तक हमें समझ ना आए बार बार। यस सर, सवा सवा घंटे। बिल्कुल सही बात है। चलें ठीक है, इवनिंग में आ जाया करें। इवनिंग में भी आजकल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, प्लीज आप इवनिंग में। सर मेरा ASP.NET पे रहता है तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा प्रोजेक्ट भी उसी पे है। इवनिंग में सर आप ले रहे हैं? करा दूंगा नेक्स्ट टाइम, मैंने डिजाइन करा। हाँ जी सर, जब भी क्लास से मैं ही ले रहा हूँ इवनिंग की, उन्होंने कहा कि कराने सारा। सर मैंने छोड़ा है तो आप लेना शुरू हो गए, पहले मैं लेती थी तो आप नहीं लेते थे। अच्छा सर, सर क्या पढ़ते? हाँ जी बोले। यस सर, वो मैं पूछ रही थी जो आपने AI का करवाया था, उसमें एक तो कैलकुलेशंस करनी थी ना, उससे आगे भी कुछ करना था। वो 27 और 8 वाली स्लाइड मुझे नहीं समझ आई। पता नहीं अभी एक सेक्टर स्लाइड पे याद नहीं है क्या था वो, मैंने मतलब ये याद है कि मैंने कहा था कि आप लोगों मतलब ने वो कैलकुलेट करना है, सर कैलकुलेट करना उसमें है एक टेम्परेचर का, आप मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन गेन, विंडिंग का और ह्यूमिडिटी तीनों का यस सर मैंने कहा वो था इन्फॉर्मेशन गेन आपने ये यस सर कहा वो था। मैंने हाँ कहा जी स्लाइड में है, बस बताइएगा शेयर करते भी सर। ठीक है जाना सर चाहते तो आप जा सकते हैं, इनका सवाल है तो रुक गया हूँ, बाकी का जाना चाहते तो बेशक। वहां पे है भी, आपने कर लिए कल दिन में? तो मैं सारा दिन वेट करती रही, नहीं हुई। ठीक है ठीक है, फिर सर मैं उधर से देख लूंगी। सर वो असल में नहीं सवाल है तो पूछ ले। हाँ सर वो इन्फॉर्मेशन गेन था ना, वो तो मैंने चारों का फाइंड कर लिया था ना, मैं कह रही थी उसके बाद वो कुछ ट्रीज से बनाए हुए आगे आपने, नहीं तो नहीं वो वो मैंने पता नहीं नहीं। पढ़ाया, वो बाद अभी पढ़ाने हैं, वो यस सर, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक को आपने मैंने दूसरे पढ़ाई के नहीं साथ। अभी यस वो सर बस यही सर पूछ मैंने रहा था पढ़ाई। और कुछ।